नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वांछन बेस्टीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश योग की। क्या आपकी जन्म पत्री में भी विदेश योग है? क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? तो देखिए इस वीडियो को अंत तक जरूर, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। मित्रों, मेरे पास आजकल जो लोग आ रहे हैं, जो ज़्यादातर यंग जनरेशन है जो विदेश जाना चाहती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पर विदेश नहीं जा पा रहे हैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं पर उनकी आगे अड़चने परेशानी आ रही है जिस वजह से विदेश योग उनका नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, आज मैं आपको जन्मपत्री, वास्तु और न्यूमलॉजी तीनों तरीके से बताऊंगी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में विदेश योग बन रहा है या नहीं, या जन्मपत्री में वो कौन से योग होते हैं जिनके कारण आप विदेश जा सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन होती है जो आपको विदेश भेज सकती है। सबसे पहले मैं आपको न्यूमलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि के अंदर नंबर 6 है, आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है तो आपका विदेश योग बनता है, आप विदेश जा सकते हैं। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं है तो आप देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है या नंबर 5 है तो आपका विदेश योग बनता है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मैम मेरी पत्री, मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो नंबर 6 भी नहीं है, नंबर 5 भी नहीं है, तो क्या मैं विदेश नहीं जा पाऊँगा? आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर 4 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 है तो भी विदेश योग बनता है। तो ये तो था डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यदि डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4 ये तीनों नंबर्स हैं तो आपका विदेश योग बनता है। अब यदि आप मैरिड हैं और ये तीनों नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो क्या आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ में है ये नंबर? आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4 है तो भी आपका विदेश योग बनता है। अब आपके घर का वास्तु, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं, आपकी जन्म पत्री में योग होते हैं, पर आपने अपने घर का वास्तु खराब कर लिया है या आप ऐसे घर में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर वो डायरेक्शन खराब है, तो आपका विदेश योग नहीं बन पा रहा या योग बनता है पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है? आपके घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया आपको विदेश भेज सकता है। यदि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया खराब है, कटा है, बड़ा है या टी पॉइंट पर है, या आपने वहाँ पर किचन या टॉयलेट बना रखा है, तो आप बहुत कोशिश करेंगे पर आप विदेश नहीं जा पाएंगे, विदेश जाने वाले हर कार्य में आपकी बाधा आएगी। तो आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यदि आप विदेश जाना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट एरिया एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, खुला और हवादार होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट एरिया में आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री की एक नेट से पिक्चर निकालिए और उसे नॉर्थ वेस्ट एरिया में लगा दीजिए। आप वर्ल्ड मैप बाज़ार से लेकर आइए, ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ता सा ले आए या आपने एक जर्नल सा प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया, नहीं, आपको एक सुंदर सा वर्ल्ड मैप लेकर आना है और उसे अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया में लगा देना है। यदि आपको वर्ल्ड मैप नहीं मिल पा रहा है तो आप ग्लोब लेकर आइए, उस ग्लोब को नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखिए और उसको 3 बार आपने सर्कुलेट करना है, यानी कि आपने 1 बार घुमाया, फिर 2 बार घुमाया, फिर 3री बार घुमाया। जब आप ये घुमा रहे हैं तो आप जिस भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं मन में उस चीज़ के बारे में सोचिए कि मुझे इस कंट्री में जाना है, ऐसा आपने 3 बार करना है, यानी कि फर्स्ट टाइम में 3 टाइम्स, सेकेंड टाइम अगेन 3 टाइम्स, थर्ड टाइम अगेन 3 टाइम्स, ऐसे आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका विदेश योग सक्सेसफुल आप नहीं चले जाते हैं। आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में विंड चाइम्स लगानी है, सिल्वर कलर की 2 विंड चाइम, 1 5 रॉड, 1 6 रॉड, दोनों विंड चाइम लगानी है जिसमें दोनों में से एक रॉड 11 इंच की होनी चाहिए, और ये उस तरीके से लगानी है आपको कि ये बजनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लगा दी और वो बजे ही ना तो उसका कोई आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो आपको ऐसे लगानी है कि ये बजनी चाहिए। जब आप वास्तु के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कर लेंगे तो आपका विदेश योग एक्टिवेट हो जाएगा, आपके विदेश जाने के चांसेस बन जाएंगे। एक तो आपने डेट ऑफ बर्थ से किया, दूसरा आपने अब वास्तु के अकॉर्डिंग किया।
अब थर्ड टाइम आपकी जन्म पत्री। आपकी जन्म पत्री क्या कहती है आपके विदेशियों के बारे में? यदि आपकी जन्म पत्री में लग्नेश का कॉम्बिनेशन 6, 8, 12 भाव से बना है, यानी कि जो आपका लगन लॉर्ड है वो छठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, तो आप विदेश जा सकते हैं, आपका विदेश योग बना हुआ है। आपका लग्नेश यदि 4थे घर से और 9वें भाव से कॉम्बिनेशन बना रहा है और 12th हाउस में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आप परमानेंट विदेश सेटल हो सकते हैं। आपका 9वें भाव का और द्वादश भाव यानी कि 12वें घर का योग बना हुआ है, आपस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो भी आप विदेश जा सकते हैं। आपके लगन का यानी कि लगन जो जन्म पत्री का सबसे पहला घर होता है, लग्नेश का और द्वादश यानी कि 12वें घर का आपस में योग बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं, तो भी आपका विदेश योग बना हुआ है। आप जानते हैं कि आज का जो विदेश योग है, जो हर इंसान विदेश जाना चाहता है, हमारे पुराने टाइम में से क्या कहते थे उस विदेश योग को? कहते थे देश निकाला, यानी कि जिनको भी देश से निकाल कर बाहर किया जाता था उनकी पत्री में ये योग बनता था। पर आज के समय में हर कोई विदेश जाना चाहता है अपना देश को छोड़कर। यदि आपकी पत्री में राहु चतुर्थ भाव यानी कि 4थे घर में बैठा है, तो भी आपका विदेश योग बनता है। तो ये तो कुछ योग, कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं विदेश जाकर, या विदेश जाकर शादी करके सेटल होना चाहते हैं, तो ऐसे में 4थे घर का सप्तम और द्वादश भाव का यानी कि 4, 7, 12 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे लोग विदेश जाके शादी करके सेटल हो जाते हैं। और यदि 4थे घर का और 12वें घर का योग बनता है, तो ऐसे लोग भी बाहर जाके अपना घर लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। यदि वे नहीं जाते हैं तो यहाँ रहकर यानी कि अपने देश में रहकर जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ रहकर वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, परेशानियाँ ही उठाते हैं, उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से उनको विदेश जाना पड़ता है। तो ये तो थे कुछ योग ऐसे कि जो आपकी जन्म पत्री में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे विदेश जाने के। अब यदि योग भी बन रहे हैं और आप जाना भी चाहते हैं पर आप नहीं जा पा रहे हैं, कुछ योगों में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप गोमेद धारण कर लें। यदि आपको विदेश जाना ही जाना है तो आप गोमेद धारण करें। गोमेद कम से कम 8 रत्ती का धारण करें और आपने इसको अष्ट धातु या 5 धातु में बनाना है। गोमेद पहनते समय ध्यान रखें, ये चांदी में भी नहीं पहना जाता, ये सोने में भी नहीं पहना जाता, तो गोमेद को आप बनवाएं और आप इसको धारण कर लें। गोमेद पहनने से, क्योंकि गोमेद क्या है, किसका रतन है? गोमेद राहु का रतन है, तो आप उसको धारण करेंगे तो आपके विदेश योग बनने लगेंगे। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम स राहवे नमः, इस मंत्र का 18,000 मंत्रों का जाप करना है। अब ये जाप आप कैसे करेंगे? आपने शनिवार से इस जाप को शुरू करना है और इसको आपने एक कॉपी में नोट कर लेना है। आपको एक दिन में एक माला जाप करनी है कम से कम। ये जाप सूर्यास्त के बाद होता है। आपने जब जाप शुरू करना है तो हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है, राहुदेव से प्रे करनी है कि मुझे विदेश जाना है, मेरे विदेश योग जल्द से जल्द बने, जल्द से जल्द मैं विदेश, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ का नाम लीजिए कि जल्द से जल्द योग बने, और आपने इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। आपको कोशिश करनी है कि ये आपके मंत्र 40 दिन में पूरे हो जाएं, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि 18,000 मंत्रों का कितनी माला जाप होगा। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो आपके 108 मंत्रों का जाप होगा। जब आप ये जाप कर लेंगे तो आप देखिएगा कि उस बीच आपका ज़रूर विदेश योग बन जाएगा। आपको कौड़ियों को, भिखारियों को, काले उड़द, काले चने और खट्टे फल, कोई भी हो जो खट्टे फल जैसे लीची है, आम, या आपने उनको दान में देना है। ऐसे करने से भी आपका विदेश योग बन जाएगा। और आपको मंगलवार से सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। मंगलवार से 40 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करना है। जब भी आप कोई उपाय करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो हाथ में जल लेके संकल्प करें, और संकल्प में आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का आपने बोलना है, और ये आपने 40 दिन तक लगातार करना है इस जाप को, इस पाठ को। जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपने भगवान से प्रे करनी है। आप खुद ही देखेंगे कि 40 डेज के अंदर आपके योग बन जाएंगे। पर इसमें आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपका पाठ बीच में छूटना नहीं चाहिए।
अगर 40 दिन करना है तो 40 के 40 दिन कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि ब्रेक हो जाता है तो आपको वो पाठ दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे। तो जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो वो भी आपके विदेश योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप कबूतरों को दाना खिला सकते हैं। आपने 43 डेज कंटिन्यूस कबूतरों को खाना खिलाना है, दाना डालना है, बीच में नागा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब तक आपका योग नहीं बन जाता आप कंटिन्यू डालते रहिए, पर 43 दिन एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मित्रों, मैंने ये जो आपको उपाय बताए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे करें। जो आप यथाशक्ति श्रद्धा भाव के साथ कर सकते हैं उन उपायों को आप करें, उनको करने से आपको निश्चय ही विदेश योग का फल मिलेगा। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि जन्म पत्री से, डेट ऑफ बर्थ से और घर के वास्तु से कैसे आप अपने विदेश योग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म पत्री से देख सकते हैं कि आपकी पत्री में या डेट ऑफ बर्थ में विदेश योग है या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मित्रों, मेरे दोनों चैनल्स एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।